ग्राम पंचायत ओखरा की राशन की दुकान को लेकर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि सत्यता कुछ और ही है। इस संबंध में गांव के निवासी ओमकार सिंह ने क्या बताया, हम आपको सुनवाते हैं। नाम ओमकार सिंह कुशवाहा। ओमकार सिंह जी, ये आपकी राशन की जो दुकान है ओखरा की, उसको लेकर के तमाम तरह की बातें आ रही हैं, उसमें सत्यता क्या है? सत्यता ये है कि जो प्रधान पक्ष का, जो प्रधान चाहता है कि अपने पक्ष का नस्फीस उर्फ गुड्डू, वो उसको चाहता है कि वही राशन की दुकान का वितरण करे, और जनता चाहती है कि जयपाल सनो गंगाराम को चाह रही है, वो चाहती है जनता के ये जयपाल सिंह वितरण करें, लेकिन प्रधान चाहता है कि गुड्डू वितरण करें। इसका सारा झमेला है, प्रधान का सारा झमेला है। तो ये जो उस दिन मीटिंग हुई थी, उसमें क्या हुआ था? उसमें 94 वोट गुड्डू के पड़े थे, नफीस गुड्डू, और 500-600 के करीब जयपाल के पड़े थे। उसमें सारा पुलिस प्रशासन और वीडियो जी और आपके सेक्रेटरी वगैरह, मीडिया वाले भी थे, काफ़ी लोग थे। ये दुकान जो है, जो आवंटित हुई आपको, ये बताया जा रहा है कि ये गलत तरीके से आवंटित कर दी है। इसमें कोई सत्यता नहीं है कि गलत तरीके से हुई है। थाने का चरित्र प्रमाण पत्र लगा हुआ है, और जो पहले एक बवाल हुआ था उसमें जयपाल के ऊपर रखा है प्रधान जी ने, दरोगा जी जयपाल को पकड़कर बवाल से पहले थाने ले आए थे, और जो बवाल हुआ था वो गांव के और लोगों ने किया था, उनके और नाम हैं, लेकिन जयपाल का नाम जो जोड़ा गया है वो गलत, बिल्कुल गलत जोड़ा गया है उसमें। अच्छा, ये जो राशन की दुकान हुई है, तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं? बिल्कुल झूठे हैं साहब, इसमें कोई सत्यता नहीं है कि जयपाल क्रिमिनल है या और कुछ है या दबंगई से ली गई है, उसमें जनता ने जो चुना है वही सत्य है।